हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं कल से शादी में से लौटी थी, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोग आराम कर रहे थे और मेरा मन भी नहीं किया। और मैं सोच रही थी पूरा वक्त मैं फैमिली के साथ बिताऊं क्योंकि पता नहीं कब आना होगा, और वीडियो तो हमेशा ही बना सकते हैं। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई, कल से आई हूँ, रात रुकी हूँ। और इधर मैं दिखाती हूँ आप लोग को, चाची बैठी है, नेहा है, देवरानी अभी दिख नहीं रही, बाहर निकलेंगे तो दिखेंगे। तो मैं सोची आखिरी वीडियो बना लेती हूँ, आखिरी यादें रहेगी कि मैं घर से निकली हूँ। अभी पता नहीं कब आऊंगी, आई होप नसीब हो कि मैं फिर से आऊँ, घर में शादी उदी पड़े। और आज सच में बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखती हूँ मैं कब तक, मतलब कल तक ही कंटिन्यू कर सकती हूँ वीडियो। अभी जा रही हूँ भाभी के घर पे, वहाँ का थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगी, उसके बाद सुबह का हमारा ट्रेन है, हम मुंबई पहुँच जाएंगे। फिर मैं धीरे 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 करके सारी वीडियो, क्योंकि अभी मैं जो ससुराल में पहले आई थी ना, वही वीडियो मेरी पोस्ट नहीं हुई है, बाकी जो मैं घूमी हूँ सारी वीडियो गैलरी में पड़ी हुई है। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है, बाय बाय। आज हम यहाँ से स्टे करके जा रहे हैं, भैया का आसियाना छोड़ के और भाभी का आसियाना छोड़ के, दूसरे आसियाना में जब से आए एक आसियाना छोड़ के फिर दूसरे जगह जाते हैं। देखिए इसमें जाने वाली है बुआ, इसको सीमा हाँ, वो मेरे बच्चों को भी सबको, नेहा को भी नहीं पसंद है, वो भी भागती है। कहाँ बैठी है? हेलो दोस्तों, तो ये देख लिए पुराने जमाने का सिस्टम यहाँ हो रहा है, मसाला पिसा रहा है। अरे आटा भी पीसेगी तो क्या फर्क पड़ रहा है? अचार के लिए देख सकते हैं, मसाला पिसा रहा है। गांव में बहुत काफी टाइम हो गया कि अब ये सिस्टम बंद हो गया है, लोग चक्की पिसाने लगे थे, अभी चक्की से क्या मंगाने लगे रोहित। ये देखो रोहित है, बता नहीं रहा तो भाग गया। क्या मंगे अभी, क्या शादी में देते रोहित? घर घंटी हाँ, अभी सबको घर घंटी क्या बोलते हैं, मिलने लगा है ये दिन। क्या बात है, देखो कच्चा घर और ये नेचुरल चीजें, लग रहा है ना ब्यूटीफुल। बस इसका लुक थोड़ा सा अलग लगा, ये भाभी तो गजब लग रही है। जैसे मौका मिला नहीं कि हम लोग वीडियो शूट करने लगे, ये ना वीडियो के लिए बस पीस रही है, बस वीडियो के लिए। पर एनर्जी देखो आया है, क्या बात है। ये अचार खटाई के लिए मसाला पीस आ रहा है, कैसा लग रहा है ये व्यू आप लोग जरूर बताइएगा। कितना मिस करते हैं ना ये गांव वाला लुक। ये है गांव में, ये चक्की चल रही है जिसे जात बोलते हैं। और ये देखो ये कच्चा घर का मकान है, अभी भी देखो इसे कितना मेंटेन करके रखे है। ये देखो आंगन में सुखा रहे हैं, और इधर देखो इधर खाना इस तरह बनाते हैं। देखो चूल्हा रहना चाहिए था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जब से गांव आए थे ना बहुत मेहनत किए हैं, वीडियो डाल रहे हैं कंटिन्यू, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, वायरल होना चाहिए वीडियो ये वाला। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों चक्की वक्की तो पीस ली है, आज हमारा यहाँ गाँव में आखिरी दिन है, लास्ट दिन। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, देखो ये है हमारा पसारा। यहाँ भाभी देखो अभी घूंघट में, वीडियो घूंघट में है, अभी देखो बिना घूंघट के है रियल। ये सब निकाली हूँ, अभी चल रहे हैं हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। आज रात भर बस स्टे करेंगे, रात भर सोएंगे। सुबह 5 बजे हुई उठ के, नहा धो के हमें 7 या 8 बजे निकलना है क्योंकि हमारी ट्रेन है। और उधर मावा बैठी है, उधर दूसरी माँ बैठी हैं, और ये रिंकू आ रही है बर्तन धोने। ये नैहरे आके इनका यही काम है, बर्तन धोना। चाची बर्तन धुलवा रही हैं। ये लोग सब हाँ, और सोचो ना एक बर्तन उठा के बेचारी दूसरा बर्तन लेने जा रही है, दो घर का नैहरे में आके दो घर का बर्तन धो रहा है, धोना पड़ रहा है।
क्योंकि उधर उधर की जो चाची थी ना वो मायके गई है, कोई है नहीं, बहुए भी मायके गई है, क्योंकि यहाँ पता है ना गांव में शादी सीजन चल रहा है। तो रिंकू आई थी मायके घूमने, बड़ा खुश होकर निकली होंगी ससुराल से, है ना रिंकू, बड़ा खुश होकर ससुराल से निकली होंगी, जाऊंगी आराम आराम फरमाऊंगी, यहाँ आराम हराम में बदल रहा है। कोई बात नहीं, बेटियों के साथ ऐसे ही होता है, ससुराल में भी मायके में भी। तो जितना दिन हम लोग दोस्तों लगभग 20-22 दिन थे ना, बहुत पहली बार ऐसा आया था, मजा किए ना रे, इतना मजा किए, इतना मजा किए ना कि हमारे फैमिली लगता है अगली बार कोई नया कांड करेगी ताकि हम लोग जा ना पाए। हाँ, क्योंकि अब हमने साबित कर दिया कि हम गांव अकेले जाके मजा करके आ सकते हैं। तो हमने सच में अकेले आए, खूब इंजॉय किए, कोई बीमार नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अच्छे से पैकिंग करेंगे, खाएंगे पियेंगे, सुबह उठ के भाग जाएंगे। तो चलो ये वीडियो समझ लेना, अगला वीडियो पहला वाला था मुंबई टू यूपी, अब ये वाला समझ लीजिए गांव टू मुंबई, यूपी टू मुंबई, ठीक है। तो ये सब पसारा जो है हम अच्छे से पैक वैक कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। सच कहे तो दे आवन से हम रे, सच कहे तो दे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार बाजी। तो अरे छता बनाते था ना, पहले हमें लगा ना कि ई मोरनी है, हुए मोर है, ई मोर है, हुए आदमी है, हुए वो औरत है, हुए पंख वाली। कच्चा घर है ना, उनको अच्छी फीलिंग यहाँ आ रही, इसके लिए यहीं घूम रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो गई है और हम रेडी हो गए हैं, अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, नाश्ता वास्ता भी कर लिए हैं। और यहाँ देखो मोर घूम रहा है, और आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ठंडा है। देखो आसमान में बदली है, रात को थोड़े थोड़े बूंदी भी पड़ रहे थे, सकता दिन में बारिश भी हो सकती है। तो चलो अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं मुंबई के लिए, ये हमारा आखिरी दिन था, लगभग 8 बजे हम निकल जाएंगे, पहुँच जाएंगे बनारस, बनारस से ट्रेन लेंगे, कल दोपहर में हम मुंबई लैंड हो जाएंगे। तो मेरी सारी वीडियो आप लोग देखना, अब मुंबई में शायद मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ, ना बनाऊँ, थोड़ा दिन आराम करूँगी, और धीरे धीरे करके जो मेरी गाँव की सारी वीडियो है मैं वो पोस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने शूट कर लिया है। यहाँ नेट का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जियो चलता नहीं है गांव में, जियो बिल्कुल नहीं चल रहा है, एयरटेल चलता है। तो मुंबई आके ही मैं सारे वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, धीरे धीरे करके एडिटिंग करके, तो बने रहिए। पहुंच गए स्टेशन, बनारस स्टेशन आ गया सामने, बोलो कोई भाई। मैं सो गई थी, इतना ठंडा मौसम है ना आज गांव में, और मुझे पता नहीं क्यों गाड़ी में बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, देखा कि ये लोग जा रहे हैं अपने बैग लेके। तो चलो ट्रेन में बैठते हैं, सबका लगेज। One Ranchi Banaras Express from Ranchi to Banaras via the new Rail junction is running on time. Yeah, it is expected to arrive here at
प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए हैं। कितना बज रहा है बता दी, 8:42 पे हम लोग ठीक है बनारस स्टेशन पहुंच गए। और हम तो पीछे साइड है, देखो मेन गेट है ये है, इधर से है तो हम पीछे साइड से आते हैं। तो चलो आज हमारा है बनारस में आखिरी दिन, अभी ट्रेन आएगी हम बैठ जाएंगे और नहीं तो छुक 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 करके जाएंगे। पर बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, बहुत ज़्यादा। इमाम भी है कि दोनों भतीजे छोड़ने आए हैं और तनी यूपी टू मुंबई गोइंग। हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा स्टेशन, ये है हमारा रोहित कुमार, यही हमारा रील वीडियो बना रहा है स्टेशन पे। अभी देखो भाग गया, फिर भाग गया अभी भाग रहा है जब इन लोग को वीडियो में दिख लेने लगते हैं तो भाग जाते हैं सब लोग। देखो कितनी नाइंसाफी है, मैंने 2-3 रील बनाए इधर स्टेशन वाला, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देखना। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है रेखा मुंबई ब्लॉगर। तो हमारी रील्स वीडियो कैसी बनी हुई है, गाँव का प्रॉपर रील मैंने बनाया है, हर एक चीज कैप्चर किया है जो हमारे गाँव का देसी है। तो जाके रील्स देखिएगा, इंस्टाग्राम का आईडी है रेखा मुंबई ब्लॉगर। थैंक यू देखने के लिए और कमेंट भी कीजिएगा। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हम एकदम अच्छे हैं। तो हम यूपी से निकल गए हैं मुंबई की तरफ, तो हम मुंबई के एकदम करीब आ गए हैं। कल से ट्रेन में जब से बैठी मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई, छोटा सा भी क्लिप मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे ट्रैवल में बहुत ज़्यादा नींद आती है। मैं बस सोती रहती हूँ, तो अभी जस्ट मैं उठी, ब्रश की, फ्रेश हुई, तो वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन ही किया कि मेरा फेस बड़ा अजीब लग रहा था। मैं सोची थोड़ा तैयार होकर वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो सब देखो मतलब कितनी गंदी दिख रही है। अरे देखो सुबह सुबह ही उठी है, तैयार होकर लगी हुई है, अभी उसे देखने में टाइम पास कर रही है। और नेट बहुत इशू कर रहा है, आवाज़ कम करना नहीं कॉपीराइट आ जाएगा मेरे ब्लॉग में। गाना बजा रही है, सुनाई दे रहा है, कॉपीराइट लग जाएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों चलो, मुंबई से हम यूपी से मुंबई पहुंचने वाले हैं, जस्ट एकदम करीब आ गए हैं। तो अब डायरेक्ट हम मिलेंगे मुंबई में, तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर ब्लॉग हेलो कंटिन्यू रहता है, नहीं तो समझ लीजिएगा डीएन है, नहीं तो मैं डीएन करूँगी मुंबई पहुँचने से। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखो ट्रेन में है हमारे बच्चा पार्टी। हेलो बोलो, अभी कहाँ पे है एग्जैक्ट? जाते समय भी बच्चा पार्टी मिला था, आते समय भी बच्चे पार्टी है। तो बहुत ही खूबसूरत है। बच्चे हैं, ए चेरी चेरी चेरी, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। बहुत क्यूट बच्ची है। तो चलो मिलते हैं। ये है हमारा सुबह का नाश्ता, नासिक में पतिदेव ने ऑर्डर कर दिया था तो यहाँ हमें मिल गया। मैडम खोल रही है खाने के लिए, देखते क्या है। ये है पनीर चिल्ली नूडल, दही, और ये है पराठा, पनीर पराठा लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं खाने। ये है हमारा नाश्ता, आप लोग को दिखाया ही। अब हम जा रहे हैं खाने और खा के डायरेक्ट हम मुंबई पहुंच जाएंगे। दोपहर का लंच मुंबई में अपने घर पे करेंगे, ठीक है।